23 मार्च को अभी हमने हाल ही में शहादत जो शहीद आजम भगत सिंह जी ने, राजगुरु ने और सुखदेव ने देश के लिए दी, उसका शहीद दिवस मनाया। वे लोग हमारे देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर गए। शहीद भगत सिंह जी का जीवन का एक सपना था कि जब देश को आज़ादी मिलेगी तो एक ऐसे राज्य की स्थापना की जाएगी जो पूरी तरह से कल्याणकारी होगा, जहाँ पर कोई सामंत नहीं होगा, ऊंच और नीच का भेद नहीं होगा, छुआछूत से रहित समाज की स्थापना होगी और समाज में गैर बराबरी नहीं होगी, सभी खुशहाल रहेंगे, सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था रहेगी, सभी के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल की व्यवस्था रहेगी। इस तरह का सपना शहीद आजम भगत सिंह ने देखा था, ऐसा कहा जाता है और यह ऐतिहासिक रूप से सत्य भी है कि अपने फांसी के समय भगत सिंह जी कभी डरे नहीं, बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि यदि उनके सामने आम की एक टोकरी लाकर के जेलर ने जब रखी और कहा कि ये आम खा लेना, कल तुम्हारी फांसी होने वाली है, आप कल्पना करिए और उस व्यक्ति के जज्बे को देखिए कि सुबह जब आम की टोकरी में आम उसी तरह से पिचके हुए थे और भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव दोनों चुपचाप बैठे थे, तो जेलर ने समझा कि डर के मारे इन लोगों ने आम खाए नहीं, जबकि वो सारे के सारे आम खा करके उन लोगों ने आम को उसी तरह से फुला करके रख दिया था। जज्बा यह होना चाहिए, देश के लिए प्राण उत्सर्ग करने का जो जज्बा उनके अंदर था, वो अन्यत्र कहीं देखने को इतिहास में नहीं मिलता है। हम सभी को उन लोगों के पदचिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिए, आज़ाद देश में उनके सपनों का भारत के निर्माण करने का प्रयास करना चाहिए। कोई गैर बराबरी न रहे, ऊंच नीच का भेदभाव न रहे, समाज में छुआछूत न रहे, इस तरह की व्यवस्था हमारे समाज की होनी चाहिए, तभी हम भगत सिंह जी, राजगुरु, सुखदेव के सपनों का भारत बना सकते हैं। जय शहीद, जय शहादत।